Cheers, welcome back, early morning. अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अब सिंस मिसेस फहीम के भी इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. एट द एज ऑफ 26 उन्होंने बहुत केमिकल्स यूज कर लिए हैं ऑलरेडी. तो अब वो उसी के लिहाज से वो कह रही थी ना कि आधे भी बाल नहीं रहे, क्योंकि एक ये कि आप जहाँ केमिकल टच लेते हो तो आपकी एक्सपर्ट कितना क्वालिफाइड है जो आपको केमिकल, बिकॉज हमेशा कोई भी केमिकल्स है वो हाफ एन इंच छोड़ के आपकी स्कैल्प से यूज होता है. सही. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरोक्साइड्स जो हैं या ब्लॉन्डर्स जो हैं आपके स्कैल्प को टच करेंगे तो वहाँ भी थिनिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है. और दूसरा, वंस यू गेट मैरिड यू नो वन आफ्टर अनदर बच्चे हैं आपके, सो एवरी प्रेगनेंसी जो आपका फर्स्ट से थर्ड ट्राइमेस्टर होता है यू डोंट लूज द हेयर, बिकॉज हेयर हैज़ लाइफ लाइक ग्रोइंग, स्टेशनरी एंड शेडिंग, एनाजन, कैटेजन एंड टेलेजन. ठीक है, तो थ्री फेजेस में हमारे बाल हर वक्त होते हैं. तो उसमें ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल रेस की वजह से आपके आफ्टर डिलीवरी जो कहते हैं 40 डेज के बाद शेडिंग शुरू होती है. तो इस वजह से अगर आपकी केयर नहीं है, डाइट नहीं है, तो फिर आपकी वो रीग्रोथ इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी. और बेशक आपके फॉलिकल्स लकी होते हैं उस वक्त हम सप्लीमेंट्स और चीज़ें ऐसी यूज कर रहे होते हैं कि जो करते हैं, देखो फर्स्ट में कर रहे होते हैं, फर्स्ट में बहुत केयर टेकिंग होती है माँ की भी और आपके विजिट्स टू डॉक्टर, योर सप्लीमेंट्स, फिर सेकेंड में आप केयरलेस, एंड थर्ड में आपको होश नहीं होता कि आपने बेबी लेके आए घर और आप अपनी डाइट भी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दिस इज़ वन थिंग कि हम अपनी खुद नेग्लिजेंस करते हैं. और उसमें ये हो जाता है कि जब आपकी फॉलिकल्स उतने ही होंगे सर में आपके, अभी भी जिससे किसी बात कर रही हैं, मगर वो जो उसकी डायमीटर है वो कम होता चला जाता है. सो जो आप ये कहेंगे कि एक हाथ में नहीं आते थे, अब वो आपकी एक मुट्ठी में आ जाते हैं. ठीक है, तो वो बालों का अब होता है कि केयरलेसनेस, वो टियर होते जाते हैं, ड्राई होंगे बालों का एक वो नेचुरल वो है कि जब आपके क्यूटिकल्स खुलने लगते हैं वो स्केलिंग्स होने लगती है और फिर वो स्प्लिट सेंस में फॉर्म होते हैं और बाल बाकायदा स्प्लिट होता है, तो फिर वो थिन होकर टूटता चला जाता है और जितना महीने में बढ़ना है उससे ज़्यादा वो टूट रहा होता है. सो दिस इज़ द मेजर कंप्लेंट ऑफ एवरीवन, मेरे बाल इतने खूबसूरत थे अब नहीं. ठीक है, बिकॉज जब भी आप मिस हैंडल करेंगे इनके साथ यू विल बी अ लूजर फॉर दैट. तो उसके लिहाज से मैं कहूँगी केयर टेकिंग ज़रूर रखें. और जब भी आप हमारे मैम अभी आपने कहा कि हम लोग इतने इन छोड़ के फिर डाई लगाते हैं, जो मैंने सैलॉन्स में देखा है वो तो बाकायदा ब्रश लेके यूं करके लगाया और यूं करके पूरे पूरे हर जगह कर रहे होते हैं. मैं उनके कह रही ब्लॉन्डर्स वगैरह यूज़ करते हैं या केमिकल आपकी ब्लीचिंग कर रहे हैं, पर्म कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, रीबॉन्ड कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा आपका सेंटीमीटर्स बाल छोड़ के आप लगाएंगे. रूट ट्रीटेड जहाँ बालों को करना है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वहाँ हम यूज़ करते हैं. और बालों में भी फिर ये है कि जो कलरिंग आप यूज़ कर रहे हैं, वॉट टाइप ऑफ कलर यू आर यूजिंग. नेचुरल कलर्स अगर आपके हैं तो वो आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करते, मगर मेटालिक कलर्स क्या होते हैं, फूड कलर्स, दे आर ब्लेंड ऑफ फूड कलर्स, प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स, सोल्स और वो उनके. और दूसरा होता है मेटालिक कलर. मेटालिक कलर जो होता है वो एक कोटिंग छोड़ता है बालों के ऊपर. ठीक है, जैसे उसको अगर तुम मेटालिक कलर होगा तो तुम इसको कट डाउन करोगे तो कट डाउन भी नहीं होता बाल. ओके, हाउ डू वी गेट टू नो ऑल दिस, बिकॉज़ यू हैव टू रीड द लेबल्स फॉर द मेटालिक कलर. के इसमें क्या लिखा, मेटालिक तो नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा लेबल में? जरूर होगा और आपको भी पता होता है. या तो फिर वही बात है कि अगर आपने फ्रीक्वेंटली, अभी जैसे मार्केट में आजकल जैसे कलर्स कुछ आए हुए हैं, टू चेंज योर कलर एट होम विद द शैम्पू डाइज एंड दे आर मेटालिक, क्योंकि आप जब कट डाउन करेंगे तो वो कट डाउन नहीं होगा आपका. तो उसमें ये हो जाता है कि वो एक कोटिंग रहता है, तो वो भी आपके बालों को कांस्टेंट डैमेज करता है. हम इस पे भी और बात करते हैं. एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? गुड नायला. नायला कहाँ से? कराची से. अच्छा, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन कर दीजिए प्लीज. हाँ जी नाल, अब फरमाइए क्या कहना चाहेंगे. मालूम करना है मेरे वाइट बाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा. एज ग्रुप, एज क्या है आपकी? 23 है, अनमैरिड वुमन. अल्लाह अल्लाह जी. अच्छा, बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत हल्के बाल हैं, बहुत परेशान. आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है? नहीं, खून की कमी तो नहीं है. अच्छा नहीं है, चले बस फिर. और सुने आपका जो आता है जायजा, जो आप निकलवाते हैं, उसमें भी मुझे कॉल लगती नहीं है, उसमें मैं करती हूं. आए बहन, अब क्या कर सकते हैं. आज लग गई इंशाल्लाह, लक ओपन हो जाएगी. अब आपका शुरू हो गया ना, सिलसिला शुरू हो गया ना आपका, वहाँ पे भी लग जाएगी. ठीक है, ठीक है, आप इसका मुझे बता दें. बिल्कुल बता दें. मैम आप कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ
नहीं मुझे देखो इन लोगों का मुझे अंदाजा है, बिकॉज जब ये 20s में हैं और प्री दैट इज अल्कोहल प्री मैच्योर ग्रेइंग आपकी है, उसमें बेसिकली पैराबेंजोइक अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपके होते हैं ईदर इवन योर स्ट्रेस कंडीशन, योर लाइफस्टाइल, एंजाइटी आपकी तबीयत में ज़्यादा है, तो ये चीज़ें जो हैं जो आप खा भी रहे हैं अगर खाना सही तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। तो अब इनको बेसिकली अपनी डाइट में प्रोटीन्स का, बिकॉज हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और पिगमेंट्स जो हैं डेफिनेटली रूट से ही आप ऊपर के हम जो बाल रूट से बाहर निकल गया दैट इज़ अ डेड हेयर, दिस इज़ अ डेड हेयर, इसको काटो कुछ भी करो, इसको आप करोगे जो बेस आपकी रूट है आप वहाँ रोक सकती हैं अब, मगर खत उनको दोबारा री कलरिंग नहीं आ सकती, बहुत बहुत ज़्यादा केयर चाहिए आपको उसके लिहाज से। तो आप अपनी डाइट में विटामिन सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए और प्रोटीन्स का इस्तेमाल फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ ज़रूर रखें, बिकॉज अगर हेल्दी स्कैल्प हेल्दी अब उन्होंने कह दिया नहीं मेरी खून की कमी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे थिंक, टेस्ट करा के पता चलता है खेलने में क्या नहीं है। ये अगर 10-11 पे भी होते हैं तो एवरेज पे हमारे यहाँ कह देंगे हीमोग्लोबिन फाइन, आई से नो, ठीक है ना, बिकॉज जब तक 12-13 पे आप आए अपने आप को मेंटेन रखें। हम हमारे यहाँ हम लोगों ने एक वो बना लिया कि खवातीन जो है उनका नहीं मर्दों का होगा, क्यों, द वुमेन शुड बी हेल्दी फॉर दैट। अब ये मेरे बाल जो है ये इतने हाई केमिकल ट्रीटेड हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत स्ट्रेट, तो आई एम फेड अप विद दैट, तो मैंने हमेशा पर्म किया, मेरे 50 पर्म हुए होंगे मेरे बालों में, 6 मंथ में फुल, 3 मंथ्स में फ्रंट, मगर ये है कि आप उसकी केयर रखते हैं और जो यंग एज की है मैं उनको ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि दे शुड डू वन थिंग कि एकदम आप जब भी केमिकल्स लेते हैं तो बहुत हाई केमिकल्स नहीं लो, क्योंकि अगर आपने करने वो इतनी यंग एज से हाई फुल स्ट्रीकिंग शुरू कर देते हैं, आप अगर सिर्फ चंक्स ले लो, शौक है बहुत ज़्यादा है तो भी आप बिलीव करेंगे मेरे पास 18-19 की बच्चियाँ जो आएंगी अगर वो मांगती हैं तो आई नॉर्मली डिस्करेज दैम एंड आई टेल देम कि अगर आपने लेने हैं तो फिर बेटा फ्यू ऑफ इट ले लो और डोंट गो फॉर फुल हेड और उसके लिहाज से। और एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग डॉक्टर, मैं बात कर रही हूँ, मैं मिसेज अनीस बात कर रही हूँ से। जी मिस अनीस, कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या कहना चाह रही हैं? ये जो भाभी बैठी हैं रोहाना भाभी, इनसे बात करना चाह रही हूँ। जी जी, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रोहाना भाभी जी। मैंने असल में आपसे पूछना है कि बालों ही पे बात हो रही है, अभी 2-3 कॉल आए हैं और मैं भी बालों ही के मतलब आपसे कुछ मशवरा करना चाह रही हूँ। मैंने अपने बालों के ऊपर खुद ही एक्सपेरिमेंट किया और खुद उनको डैमेज कर लिया, मैंने उसके ऊपर कट डाउन लगाया और तकरीबन वो मैंने 2-2.5 घंटे लगाया और उसके बाद मेरे बाल इतने हो गए कि वो घुरने लगे, सुने ना, घुरने लगे, वो एयर में फील हो रहे थे घूरते रहे, जब मैं कंघी करूँ तो वो, और मेरे बाल इतने सिल्की थे उससे पहले कि मैं क्लिप लगाती थी और वो स्लिप होके गिर जाता था, तो उसके बाद मेरे बाल झाड़ू